नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं गांव के प्रकृति जो वातावरण है उस वातावरण से रूबरू कराऊंगा। जैसे कि वो लहलाते खेत खलिहान है, आगे भी दिखाइए उधर भी, उधर देखिए मखान खेती है, जो कि आप लोगों को दिखाएंगे कि मखान खेती वहाँ किया जा रहा है। चलिए इस ब्लॉग में आपको बेहतरीन चीज़ें मिलने की मिलेगा, जैसे कमल फूल है। फिर कमल का कहाँ से क्या है नहीं, उसका पत्ता उसके बहुत लोग देखे नहीं है पत्ता को, तो वो भी दिखाएंगे और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए तो दोस्तों, ये रहा आपको मखान का खेत है, या बोले मखान का ये तालाब है, जहाँ से आप मखान के पत्ता हो गया। अभी थोड़ा सा पानी नहीं रहने के कारण तो उसमें पानी दिया गया है और बारिश होने के बाद कुछ हुआ है, तो मखान का जो ये फल होता है वो अभी फूल देखिए निकल गया है, फूल अभी निकल गया है और पूरा खेत जितना देख रही है मखान का ही है। कुछ लोग होते हैं वो प्रकृति से किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, देखिए ढेर सारे लोग गांव से दूर जाना चाहते हैं, उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया है। ये मैं लोगों की ही बात नहीं, मैं खुद की ही बात करता हूँ। लोग अपने गांव की प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं, बल्कि देश विदेश के वो जो जंगलों या पहाड़ियाँ उससे रूबरू होना चाहते हैं, पर अपने गांव के खेत खली जैसे देख लीजिए मखाना है। इधर दिखाते हैं आपको, ये पत्ता जो देख रहे हैं ये भी मखान का ही पत्ता है, जो मखान खाते हैं पत्ते भी हैं, हर एक पूजा मखान पत्ता दिखा रहे हैं। ये फूल तो नहीं है, ये पत्ता जो देख रहे हैं ये कमल के फूल का है और ये मखान का ही पूरे खेत खलिहान है। ये पूरा मखान है, फिर उसके बाद जहाँ कम पानी है वहाँ धान है। देखिए यहाँ से तो दोस्तों आगे चल रहे हैं, किसान भी है कुछ, वो घास काटने के लिए वो लोग भी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग घास मतलब काट भी रहे हैं। ये मेरा दोस्त है जो अभी कैमरा संभाल रहा था, इसको भी आगे किया है। इधर लड़कियाँ हैं जो घास लेकर के आ रही है, मतलब गाय का चारा। चाहूँगा दोस्तों, अभी के समय में मखान की खेती से तो मैं रूबरू करा दिया, पर ये कमल का जो फूल है उस फूलों का अभी दर्शन नहीं करा पाऊँ, क्योंकि उसका अभी सीजन नहीं है। सीजन के या जितना पानी में होना चाहिए होता है कमल का फूल, उतना पानी अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद मैं ज़रूर कमल के फूलों से रूबरू कराऊंगा।
तब तक के लिए आगे देखिए और मैं खेत खलिहानों को दिखाता हूँ। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज कुआँ से ही पानी निकाल कर पानी पिया करते थे, पर अभी जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि हम लोग हाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में चले गए हैं, तो कुआँ का तो दर्शन दुर्लभ ही है गाँव में भी। अब गाँव में जहाँ जहाँ कुआँ है वहाँ वहाँ लोगों ने भरा करके वहाँ घर बना लिया है। चापाकल है गाँव में या और भी एडवांस हो गया है तो छत पे वो नल लगा लिया है और पानी टंकी सारे बन गए। तो आपको मैं खेत में दिखाता हूँ कि पानी पीने के लिए लोग जो बनाए थे कुआँ वो अभी अवेलेबल है। वो कुआँ से शुरू कराता हूँ कुआँ की आस्थितों में भी क्या आस्थिति दिखाइए। देखिए इस स्थिति से लग रहा है कि कुआं चालू नहीं है, कुआं का पानी गंदा ही होगा। ये गंदा ही है और कुआं को दिखाइए सीन बचा करके ऐसा नहीं कि मोबाइल गिर जाए। देख लीजिए कुआं गंदा पड़ा हुआ है। अब आप लोग को मछली दिखाता हूँ, नन्हा सा मछली मछली है जो कि अपने चारा की तलाश में आया है। जब तक कोई है नहीं तब तक ये तो घूम रहा है, जो ही मछुआरा आएगा ये खुद चारा बनके उसके साथ चला जाएगा।